हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम आप लोगों को हिंदी दीपिका में पाठ आठ नचिकेता की खोज पढ़ाएंगे। लेसन नेम क्या है बेटा? लेसन नेम है नचिकेता की खोज। ठीक, देखिए ये लिखा है, लेसन एट भी लिखा है और लेसन नेम भी लिखा है। क्या लिखा है? नचिकेता की खोज। परिचयात्मक प्रश्न है, आपको ज्ञान शक्ति व धन से यदि चुनने के लिए कहा जाए तो आप किसे चुनेंगे? शक्ति व धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? शक्ति व धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान क्या? जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप कुछ करेंगे, आपके पास शक्ति आएगी, धन आएगा तो आपके पास शक्ति भी आएगी। ठीक है ना? पाठ के माध्यम से बालकों में ज्ञान रूपी शक्ति को प्राप्त करने की प्रेरणा देना, मतलब आप लोगों को ऐसा करना है, आप जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी आप में शक्ति आएगी। भाई जब ज्ञान होगा तभी तो आप अच्छे पढ़ के लिखेंगे, अच्छे पढ़े लिखेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, अच्छे आदमी बनेंगे तो आपके पास शक्ति आएगी। ठीक, क्या आपने नचिकेता की कथा पढ़ी या सुनी? कथा में कहानी होती है, पढ़ी या सुनी है, जिसने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया था। प्रलोभन में लालच, मतलब सभी चीज़ों को, कोई भी उसके सामने जो रखा गया प्रस्ताव, सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया था नचिकेता ने। देखिए स्टूडेंट, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें बहुत से ऋषि मुनि बैठे हैं, साधु महात्मा, यज्ञ हो रहा है, सब एक देखिए कटोरे में घी लिए हैं, हवन सामग्री, यज्ञ में डालने की सामग्रियाँ लिए ना, साधु महात्मा बैठे हैं, पिक्चर आपको दिख रहे हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नचिकेता की कहानी पढ़ेंगे, नचिकेता की खोज। पौराणिक काल की बात है, मतलब पुरानी, पहले की बात है, पौराणिक काल की बात है। उस समय भारतवर्ष में चारों ओर ज्ञान की बयार चला कर गया। बयार में हवा, ज्ञान मतलब बुद्धि, अच्छी अच्छी बातें, हर जगह ज्ञान दिया जाता था, उसकी हवा चलती थी, चला करती थी। वेदों का पठन पाठन देश का गौरव था। नित नए धार्मिक अनुष्ठान होते थे, अनुष्ठान में पूजा, धार्मिक पूजा, धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं, कई दिनों तक पंडित लोग पूजा करते हैं, उसको कहते हैं अनुष्ठान। हवन की पवित्र अग्नि वातावरण को दिव्य शक्ति प्रदान करती थी। लोग सात्विक गुणों से परिपूर्ण बने रहते, मतलब अच्छे गुणों से लोग हमेशा भरे रहते थे, कोई भी उनके मन में बुरी बातें नहीं आती, क्योंकि हमेशा पूजा पाठ होते थे, अनुष्ठान होते थे, हमेशा धार्मिक चीज़ों के प्रति उनका लगाव रहता था, धार्मिक बातें होती थी, धार्मिक पूजा पाठ होता था, तो वो लोग हमेशा सात्विक गुणों से परिपूर्ण बने रहते थे। उन्हीं दिनों भारत में एक महर्षि थे, महर्षि मतलब बहुत बड़े ऋषि मुनि, जिनका नाम वाश्रवा था। उनका नाम क्या था? वाश्रवा था। वे महान तपस्वी, विद्वान और चरित्रवान थे, मतलब चरित्र बहुत अच्छे थे, तपस्वी चरित्रवान थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, मतलब उनके विषय में उनकी जो ख्याति थी बहुत दूर दूर तक फैली, तो हर कोई उनको, वाश्रवा ऋषि को जानता था। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, मतलब बहुत बड़ा यज्ञ, देखिए यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे साधु महात्मा बैठे हैं ना, बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ कई दिनों तक चला, कई दिनों तक मतलब पूजा पाठ यज्ञ चलता रहा। ऋषि के पुत्र नचिकेता ने इतना महान यज्ञ पहले कभी ना देखा था। वाश्रवा ऋषि का जो पुत्र था नचिकेता, उसने इतना बड़ा यज्ञ पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, कभी ना देखा था। अभी उसकी आयु 7 वर्ष थी, 7 वर्ष मान मतलब 7 ईयर, 7 ईयर का बच्चा कितना बड़ा होगा, उसने इतने दिनों में कभी इतना बड़ा यज्ञ नहीं देखा था। और नित नए यज्ञ देखना और उनमें सम्मिलित होना उसकी दिनचर्या थी, मतलब जो यज्ञ हो रहे थे रोज नए यज्ञ को देखता था, उसमें शामिल होता था, वो उसने अपनी कार्य प्रणाली बना, दिनचर्या बना, मतलब कि उसको भी रेडी होके नहा धो के यज्ञ में बैठना है। उसके पिता इतना महान यज्ञ करवा रहे हैं, इस बात से वह बड़ा आनंदित था, मतलब बड़ा खुश रहता था कि उसके पिता इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, इस बात से बड़ा आनंदित था। कौन आनंदित था? नचिकेता।
यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि वासवा ने, समाप्ति मतलब जब यज्ञ खत्म हुआ, महर्षि वासवा ने सहस्त्रों गाय, मतलब बहुत सारी हजारों गाय ब्राह्मणों को दान में दान दी। वे सभी गाय बूढ़ी दुर्बल व जर्जर, मतलब गाय जो थी बूढ़ी थी दुर्बल में, मतलब पतली कमजोर, जर्जर में बहुत ज़्यादा कमजोर, हष्टपुष्ट गाय कोई भी नहीं थी, जो मात्र हड्डियों को ढांचा दिखाई देती थी। नचिकेता यह सब देख रहा था। उसने सोचा जब गायें इसी योग्य नहीं हैं कि दूध दे सके, इतनी बीमार कमजोर गाय दूध क्या देंगी, दूध योग्य नहीं है दूध दे सके और ब्राह्मणों के किसी काम आ सके, तब उनका दान नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि इतनी बूढ़ी गाय हैं, दूध भी नहीं दे सकेंगी, बेकार है ये गाय, तो इनका दान ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। क्योंकि पिता अपनी समस्त संपत्ति का दान कर रहे थे, उनके पिताजी सब कुछ दान कर रहे थे, अतः गायों की तरह स्वयं को भी पिता की संपत्ति मान, उसने पिता से पूछा पिताजी क्या आप अपना सब कुछ दान कर देंगे? किसने पूछा? नचिकेता ने अपने पिताजी से वासवा से पूछा, पिताजी क्या आप अपना सब कुछ दान कर देंगे? महर्षि वासवा ने समझा कि बालक क्यों ही प्रश्न कर रहा था, उन्होंने सोचा कि छोटा बच्चा है ऐसे ही ये पूछ रहा है। वे अपने कार्य में लगे रहे, मतलब उन्होंने सुना और अपना काम फिर करने लगे। नचिकेता ने फिर प्रश्न पूछा। इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछने पर पिताजी गंभीर हो गए। जब उसने कई बार प्रश्न पूछा तो उसके पिता तो क्या हो गए, गंभीर मतलब सीरियस हो गए, गंभीर हो गए और बोले, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय? उन्होंने कहा नचिकेता से कि इस प्रश्न का तुम्हारे पूछने का क्या मतलब है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नचिकेता ने कहा, पिताजी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दान में दी जा रही ये गाय इस योग्य नहीं है कि ब्राह्मणों का कुछ हित कर सके, हित में फायदा भला हित कर सके। वे दूध देने योग्य नहीं है, आपके ही अनुसार यज्ञ में देवताओं को अपनी प्रिय वस्तु ही अर्पित करनी चाहिए, जो सुंदर हो, समर्थ हो और मूल्यवान हो, मतलब सुंदर हो, अच्छी हो और मूल्यवान, मतलब जिसका मूल्य खूब हो। गाय सबल और समर्थ होती तब तो ठीक था। उसने कहा कि गाय सबल और समर्थ होती तब तो ठीक था। मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे? उसने कहा कि जब आप सब प्रिय चीज़ों को दान कर रहे हैं तो मैं भी आपका प्रिय पुत्र हूँ। देखिए देख रहा पूछ रहा है ना, कितना छोटा बालक अपने पिताजी से प्रश्न कर रहा है, आप मुझे किसे देंगे? उसके प्रश्नों से महर्षि झल्ला गए, मतलब एकदम उनको गुस्सा आ गया। जब नचिकेता ने पूछा कि आप मुझे किसको देंगे, मैं भी तो आपका प्रिय पुत्र हूँ, तो ये प्रश्न सुनकर नचिकेता के पिता वासवा झल्ला गए, मतलब उनको गुस्सा आ गया, क्रोध में बोले मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। नचिकेता आज्ञाकारी पुत्र था, मतलब पिता की हर बात को मानता था, आज्ञाकारी पुत्र था, पिता की इच्छा को सत्य मानवा चल दिया। उसने सोचा कि सच में पिताजी मुझे यमराज को दे देंगे, उन्होंने तो ऐसे गुस्से में कह दिया था, और वह चल दिया स्वयं को यमराज को देने के लिए। उसने सोचा मैं ही स्वयं को यमराज को दे दी, जब पिताजी देंगे तो मैं ही अपने आप दे दूँ। वह यम को खोजता हुआ उनके निवास तक जा पहुँचा, मतलब यम को खोजता ढूंढता यमलोक पहुँच गया। यम का निवास यमलोक में ही होता है ना, स्वर्गलोक में तो होता नहीं है। तो कहाँ पहुँच गया? यम के उनके निवास पर पहुँचा। यम वहाँ नहीं थे। यम की पत्नी ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए, प्रतीक्षा में इंतजार, यम कहीं गए थे तो उनकी पत्नी ने कहा बेटा थोड़ा सा इंतजार कर, मतलब वेट करना के लिए कहा। उसने वहीं रहकर उपवास करते हुए यम की प्रतीक्षा की। उपवास मीन्स व्रत, ना कुछ खाया ना पिया और यम की प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने का। 3 दिन पश्चात यम लौटे, मतलब 3 दिन के बाद यम लौटे। उनकी पत्नी ने उनसे नचिकेता के विषय में बताया। जब यम लौटे 3 दिनों बाद, वह वहीं बिना खाए पिए दरवाजे पर बैठा रहा। 3 दिन पश्चात जब यम लौटे, उनकी पत्नी ने उनसे नचिकेता के विषय में बताया। यह ब्राह्मण पुत्र 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो बोली कि यह ब्राह्मण पुत्र 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा है।
प्रतीक्षारत रहते इसने भोजन भी नहीं किया। उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके इंतजार में तीन से करते करते इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। यमराज, यमराज नचिकेता के धैर्य से बहुत प्रसन्न हुए। मतलब उसके उसका उसमें इतना इंतजार करने की शक्ति थी, उसमें इतना वेट करने की हिम्मत थी कि उससे वो यमराज जो थे नचिकेता के धैर्य से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं जब लोगों को अपने पास बुलाता हूँ तो वे कठिनाई से मेरे पास आते, क्योंकि हम तो हमेशा जब क्या आते, जब किसी को मारना होता, किसी की जान देनी है तभी हम जाते हैं, तो लोग मेरे पास कठिनाई से आते हैं। किसी को मेरे पास आने का साहस नहीं होता, मतलब हिम्मत नहीं होती। तुम अबोध बालक हो। उन्होंने नचिकेता से कहा कि तुम्हें तो अभी बुद्धि भी नहीं, तुम बहुत छोटे हो, अबोध बालक हो, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, असमय क्यों मेरे पास आए आने की तुमने इच्छा की? मतलब अभी तुम्हारे यहाँ आने का समय नहीं हुआ, बेसमय तुम समय से पहले क्यों तुमने मेरे पास आने की इच्छा की? नचिकेता बोला, मैं तो पिताजी की आज्ञा से आया हूँ और मेरे लिए उन्हीं की आज्ञा सर्वोपरि, मतलब सर्वश्रेष्ठ, मतलब पिताजी की आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उसने कहा, मैं पिताजी की आज्ञा से आया हूँ और उनकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, मतलब आज्ञा उनकी सर्वमान है, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, उपस्थित हूँ मतलब हाजिर हूँ। यमराज बोले, मेरे यहाँ वही आता है जिसकी आयु समाप्त हो जाती, मतलब जिसकी आयु खत्म हो जाती है वही यमराज के पास है। जब लोग मर जाते हैं तो यम के पास जाते हैं ना। यमराज की बात सुनकर नचिकेता बोला, जब पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है तब उसका मर्म वे ही जानते होंगे। उसने कहा कि जब पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है तो इसका मतलब पिताजी ही जानते होंगे, मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही है। उसने कहा कि अब तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है कुछ भी हो। देखिए, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, यमराज खड़े हैं, नचिकेता दो यमराज के पास दो रूपों में दिख रहे हैं और उसकी पत्नी गरीब वार्तालाप चल रहा है ना, ये यमराज है, ये नचिकेता खड़ा है। ठीक, यमराज नचिकेता के पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। पितृभक्ति मतलब पितृ के अपने पिता के प्रति पूरा संपूर्ण होना कि जो पिताजी कहेंगे वही मैं करूँगा। पितृभक्ति से वह बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कौन बोले? यमराज ने नचिकेता से कहा कि मैं तुम्हारी पितृभक्ति, मतलब पिता के प्रति तुम्हारी जो आज्ञा शक्ति है, तुम पिता की इतनी आज्ञा मानते हो, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तीन दिन तुम्हें मेरी प्रतीक्षा की, तीन दिन तुमने मेरी प्रतीक्षा की, इसे मैं तुम्हें तीन वरदान देता हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी तीन दिन प्रतीक्षा की है, मतलब तीन दिन तक मेरा इंतजार किया बिना कुछ खाए पिए, तो मैं तुम्हें तीन वरदान दूंगा, जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने कहा, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं, प्रसन्न मीन्स खुश, नचिकेता ने हमसे कहा कि यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। उसने क्या कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और यहाँ से लौटने पर वे मुझे पहचान लें। इतने दिन होगा, इतना बड़ा हो गया, मान लो ना पहचाने पिताजी। उसने कहा कि वो मुझे पहचान लें, मुझ पर प्रसन्न रहे, मतलब मेरे ऊपर नाराज ना हो, खुश रहे मेरे ऊपर। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, दूसरा वर मांगो। एक बार तो ये हो गया कि पिताजी नाराज, दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, यह वह विद्या, आप वह विद्या जानते हैं जिसकी साधना करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। उसने कहा कि आप वह विद्या जानते हैं जिसकी साधना में पूजा तपस्या करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि वह विद्या आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो जाए। यम ने बड़े परिश्रम से नचिकेता को यज्ञ करना सिखाया। अब यम ने जो था उसको नचिकेता को यज्ञ करना, क्योंकि छोटा बच्चा था, अभी तो पिता के यज्ञ देख के आया था, उसको यज्ञ करना नहीं आता था, उसको सिखाया। अब तीसरे वरदान की बारी आई। अब नंबर आया तीसरे वरदान का, थर्ड का। नचिकेता ने कहा, भगवान
बताइए मृत्यु क्या होती है। उसने कहा, तीसरे वरदान ने पूछा कि आप ये बताइए कि मृत्यु क्या होती है और मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है। यह सुनकर यमराज आश्चर्यचकित रह गया, मतलब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है। सोच में पड़ गए, वे सोचने लगे जो बात इतनी दुरूह मतलब मुश्किल है, जो बात इतनी दुरूह है कि बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों की समझ में नहीं आती, उसे यह बालक क्या समझेगा। उन्होंने सोचा कि जो बात बड़े बड़े पंडित और विद्वान नहीं समझ पाते तो उस बात को ये छोटा बालक कैसे समझेगा। वे बोले, संसार की जो चाहे वस्तु मांग लो, किंतु यह प्रश्न ना पूछो। उन्होंने कहा कि बेटा तुम कुछ भी मांग लो, संसार की कोई भी वस्तु मांग लो, लेकिन मुझसे यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता बोला, हे देव, मुझे 3 वरदान देने की अपनी प्रतिज्ञा आप पूरी करें। अब वो अड़ गया 2 वरदान में, जो कि आपने मुझे 3 वरदान देने की प्रतिज्ञा की, अब मेरा तीसरा वरदान यही है, तीसरा प्रश्न आप मुझे दीजिए। हे देव, मैं केवल मृत्यु के विषय में जानना चाहता हूँ। उसने कह दिया कि मुझे केवल मृत्यु के विषय में जानना है, मैं यही जानना चाहता हूँ। अंत में, अंत मतलब लास्ट में, एकदम परेशान हो कि अब इसका कोई उपाय नहीं है, अंत में यमदेव ने जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया और नचिकेता ने इसे बड़े ध्यान से सुना। किसने बताया? यम ने जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया कि ये क्या है, कैसे होती है, और नचिकेता ने उसको बड़े ध्यान से सुना। यह वृतान कठोपनिषद में वर्णित है। यह वृतान मतलब ये जो वार्ता है, कथा, कठोपनिषद एक ग्रंथ है, उसमें ये वर्णित है, उसमें बताया गया है। मृत्यु का रहस्य जानकर नचिकेता घर लौट आया। जब वो मृत्यु का रहस्य जान गया तो नचिकेता घर लौट आया। पिताजी नचिकेता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गदगद भाव से नचिकेता को हृदय से लगा लिया। देखिए, नचिकेता को देख के अपने से चिपकाए हैं, आंसू बगा रहे हैं कि इतने दिन बाद आया है मेरा बेटा, खुशी के मारे रो रहे हैं ना, और उनको हृदय से लगा लिया। अब देखिए स्टूडेंट, आप ये शब्दार्थ देख रहे हैं ना, पहले मैं शब्दार्थ बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद ये सारे शब्दार्थ आप PDF से निकाल के शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे, ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, विद पिक्चर वर्क होना चाहिए, कॉपी नीट एंड क्लीन हो, और इसको लर्न करेंगे, कॉपी आके सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। समझ में आया? चलिए मैं बोलूँ, आप मेरे साथ बोलें। बयार, बयार में हवा, जर्जर बहुत कमजोर, मतलब किसी काम करना हो, समर्थ कार्य करने योग्य, सबल स्वस्थ, प्रतीक्षा इंतजार, सर्वोपरि सबसे ऊपर, रहस्य छिपी हुई बातें जिनका किसी को पता ना हो, सहस्त्रों हजारों। अब देखिए अभ्यास कार्य लिखा है ना, अभी अभ्यास कार्य हम लोगों को करना है बेटा। पहला है, पौराणिक काल में भारतवर्ष में चारों ओर वातावरण शांत रहता था। ज्ञान की बयार चला करती थी। सा, लोग परस्पर शत्रुता रखना नहीं जानते, तो बा में टिक लगाइए, ज्ञान की बयार चला करती थी। अभी आपने पढ़ा ना लेसन में, तो बा में टिक लगाइए बेटा। सेकंड नंबर, नचिकेता के पिता का नाम था महर्षि वज्रश्रवा, महर्षि वज्रश्रवा और महर्षि वाजश्रवा। सा में टिक लगाइए, महर्षि वाजश्रवा, वाजश्रवा में टिक लगाइए। थर्ड नंबर, यज्ञ की समाप्ति पर डैश ने सहस्त्रों गायें ब्राह्मणों को दान दी। राजा नचिकेता, नचिकेता के पिता, सामने टिक लगाइए, नचिकेता के पिता, नचिकेता के पिता ने यज्ञ करवाया था ना, उन्होंने दान दिया था। फोर्थ नंबर, नचिकेता के पिता, नचिकेता ने पिता से पूछा, क्या आप सारी गायें दान में दे देंगे? क्या में टिक लगाइए, क्या आप सब कुछ दान में देंगे? नचिकेता ने पिता से पूछा, तो आप सामने टिक लगाइए बेटा। फाइव नंबर, महर्षि क्रोध में बोले, मैं तुम्हें डैश को दूंगा, यमदूत
यमराज यमपुरी। यमराज कहा था मैं तुम्हें, महर्षि क्रोध में बोले मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। बा में टिक लगाइए। और बेटा सारी एक्सरसाइज जो मैं करवा रही हूँ पेंसिल से करेंगे, बुक में। खा, खा नंबर देखिए, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर वन, उपयुक्त खा नंबर देखिए, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए ये ब्लॉक में शब्द दिए, जो जहाँ सेट होगा वही हमको भरना है। नंबर वन, एक बार महर्षि वाश्रवा ने बहुत बड़ा डैश किया, क्या किया? यज्ञ। तो यहाँ आप यज्ञ भरेंगे, पेंसिल से भरेंगे। सेकंड, महर्षि ने ब्राह्मणों को डैश गाय दान दी, सहस्त्रों मतलब हजारों, बहुत ज़्यादा सहस्त्रों गाय दान दी। थर्ड, नचकेता डैश पुत्र था, कैसा? आज्ञाकारी। लिखा है ना ये, यहाँ आप आज्ञाकारी भरेंगे, नचकेता आज्ञाकारी पुत्र था। फोर्थ नंबर, यह डैश तीन दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह ब्राह्मण पुत्र, यहाँ ब्राह्मण पुत्र भरेंगे, यह ब्राह्मण पुत्र तीन दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा। किसने कहा था? नचकेता की पत्नी ने कहा, अरे सॉरी, यम की पत्नी ने कहा था ना कि ये ब्राह्मण पुत्र तीन दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। फाइव नंबर, यमराज नचकेता के डैश से बहुत प्रसन्न हुए। धैर्य मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति थी। यमराज नचकेता के धैर्य से बहुत प्रसन्न हुए। अब है देखिए गा नंबर, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर वन, पौराणिक काल में वेदों का पठन पाठन होता था, सही। राइट का निशान लगाइए बेटा। सेकंड, पौराणिक काल में लोग सात्विक गुणों से परिपूर्ण रहते थे, राइट। थर्ड नंबर, नचकेता को उनके पिता ने सभी बातें समझाकर यमराज के पास भेजा, गलत। उन्होंने बस गुस्सा में कह दिया था कि यमराज को, वो तो खुद ही चला गया था। यहाँ पे गलत, रॉन्ग। फोर्थ नंबर, यमराज असमय नचकेता के आने पर क्रोधित हो गए, गलत। नहीं, उनको ये लगा कि इतना छोटा बच्चा तीन दिन से मेरा इंतजार करता, तो उनको क्रोध नहीं आया था, गलत। फाइव नंबर, यमराज ने नचकेता को कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा, यमराज ने नचकेता को कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा, गलत। कोई तीन वरदान मांगने को कहा था ना। हाँ देखिए, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए, मतलब मैचिंग। नंबर वन, नचकेता ने तीन दिन तक यम की प्रतीक्षा की। नंबर वन को द से मैच करिए बेटा, ऐसे। सेकंड, मृत्यु का रहस्य जानकर नचकेता घर लौट आया, सेकंड नंबर को या से मैच करिए। थर्ड नंबर, पिता नचकेता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, थर्ड को आ से मैच करिए। फोर्थ, प्रतीक्षारत रहते इसने भोजन भी नहीं किया, फोर्थ को ब से मैच करिए। फाइव, किसी को भी मेरे पास आने का साहस नहीं होता, फाइव को सा से मैच करिए। या बेटा सारी एक्सरसाइज आपको करना है और सारी एक्सरसाइज आपको पेंसिल से करना है, ओके बेटा। अंगा, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण के, जो शब्द देंगे इनको हमको शुद्ध एकदम राइट बोलना है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोलिए मेरे साथ, समर्थ, मूल्यवान, महर्षि, धैर्य, सर्वोपरि, गदगद। आप देखिए स्टूडेंट, ये है चार नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे बेटा, आप पीडीएफ से प्रश्न उत्तर निकाल के कॉपी में लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लर्न करेंगे, कॉपी आपकी चेक की जाएगी, ओके बेटा। देखिए अभी क्या लिखा है, भाषा व्याकरण का नंबर,
विशेषण व विशेष चुन कर लिखे, मतलब छांट के लिखने। देखिए ये विशेषण का कॉलम बना है और ये किसका बना है, विशेष का बना है ना बेटे, दिख रहा है आपको। तो नंबर वन में 3 दिन तुमने मेरी प्रतीक्षा की, विशेषण में लिखेंगे 3 और विशेष में दिन। सेकंड, पेंसिल से भरिए, अब पहला वरदान मांगो, विशेषण में पहला और विशेष में वरदान। थर्ड नंबर, वह कठिन समस्या में फंस गया, विशेषण कठिन और विशेष समस्या। यह प्रश्न ना पूछो, विशेषण यह और विशेष प्रश्न। 5 नंबर, उन्होंने ब्राह्मणों को सहस्त्रों गाय दान दी की, विशेषण क्या है, सहस्त्रों और विशेष गाय। 6 नंबर, क्या आप समस्त संपत्ति दान कर देंगे, विशेषण समस्त और विशेष संपत्ति। 7 नंबर, पौराणिक काल की बात है, विशेषण पौराणिक विशेष काल। गाय दुर्बल व जर्जर थी, जर्जर विशेषण और गाय विशेष। अब तीसरे वरदान की बारी थी, विशेषण तीसरा, क्योंकि खास चीज है ना, विशेषण है विशेषता पता चल रही, तीसरे और विशेष में वरदान। 10, महर्षि ने एक बड़ा यज्ञ किया, विशेषण बड़ा और विशेष यज्ञ। अब देखिए बेटा, आप देख रहे ना, खा नंबर है, इनके संज्ञा भेद लिखिए, आपको लिखना है कि इनमें कौन सी संज्ञा है। ठीक, नचकेता व्यक्तिवाचक संज्ञा, यज्ञ जातिवाचक संज्ञा, ऋषि जातिवाचक, परिवार समूहवाचक, परिवार में कई लोग होते हैं ना, एक से ज्यादा कई लोग होते हैं उनको समूह कहते हैं, तो परिवार क्या है, समूहवाचक। गाय जातिवाचक, भीड़ समूहवाचक, भीड़ में बहुत सारे लोग होते, समूह होता है ना, ढेर सारे लोग होते, कोई कहीं है कोई कहीं, तो वो है भीड़ क्या है, समूहवाचक। तेल पदार्थवाचक, सोना पदार्थवाचक, कठिनाई भाववाचक, चांदी पदार्थवाचक। देखिए स्टूडेंट, ग नंबर, इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग, या का होमवर्क है, मैंने आपको समझा, जैसे दिन दीन है, अब दिन मानने दिन होता है, जैसे संडे मंडे ट्यूजडे रविवार सोमवार मंगल, और दीन मीन्स लोग कहते हैं बड़ा दीनहीन दशा है, बड़ा गरीब इंसान स्थिति, तो ऐसे ही दोनों का अर्थ लिख के आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। ये आप करेंगे पेंसिल से, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी, बुक में करना है। घ, आहट जोड़कर नए शब्द बनाइए, गर्म धन आहट गर्माहट, सेकंड मुस्कुरा धन आहट मुस्कुराहट, ऐसे लिखिएगा। थर्ड, चिकना धन आहट चिकनाहट, घबरा धन आहट घबराहट, लोग कहते बड़ी घबराहट हो रही है। अंगा, इनका वाक्य भेद लिखिए, इनका क्या लिखना है, वाक्य भेद हमको बताना है। नंबर वन, पिताजी आप क्या, पिताजी क्या आप सब कुछ दान दे देंगे, प्रश्नवाचक, उसने ये प्रश्न किया ना नचकेता ने, पिताजी क्या आप सब कुछ दान दे देंगे। सेकंड, नचकेता यह सब देख रहा था, संकेतवाचक। थर्ड, यमराज घर पर ना थे, नकारात्मक, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छावाचक, छी कितना गंदा बालक, जिसमें आदि बोधक। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, कला और योग्यता का, का नंबर, सोचकर बताइए, क्या आप भी उचित अनुचित की दृष्टि से लोगों का कार्य भेद करते हैं। सेकंड नंबर, नचकेता को पिता द्वारा दुर्बल जर्जर गायों को दान करना उचित न लगा, उचित न लगना मतलब अच्छा न लगा, क्या आप अपने कार्यों में उचित अनुचित का दृष्टिकोण रखते हैं। थर्ड, क्या आप उचित कार्यों को करना जारी रखते हैं, या अनुचित कार्य जारी रखना मतलब उनको हमेशा करते रहना, आप अच्छे कार्य करते हैं, बुरे अच्छे कार्य करना रखते हैं ना। फोर्थ नंबर, नचकेता द्वारा पिता से प्रश्न पूछना,
आप उचित मानते हैं या अनुचित, कारण बताइए। 5 नंबर, कोई पौराणिक कथा संक्षेप में कक्षा में सुनाइए। कोई भी पुरानी कथा आपको संक्षेप में, मतलब शॉर्टकट में अपने क्लास में सुनाना है। ग, ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल पुस्तकें पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, पुस्तकों की सीख को चरित्र में उतारना भी आवश्यक होता है। चरित्रवान बालक की कोई 5 विशेषताएं बताइए। चलिए स्टूडेंट, देखिए अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, लेसन 8 नचिकेता की खोज की, बुक रीडिंग की, बुक एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कठिन शब्द। पहले मैं बोलूंगी, आप पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन शब्द, वर्ड मीनिंग सब आप PDF से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे और रन करेंगे। ओके, मैं बोले, मेरे साथ बोलिए। भारतवर्ष, पवित्र, वाच्रवा, चरित्रवान, प्रसिद्ध, महर्षि, ब्राह्मणों, संपत्ति, समर्थ, क्रोध, ब्राह्मण पुत्र। समझ में आया? ऐसे ही आपको पढ़ना है इसको और लर्न करना। बोलिए। सर्वोपरि, पितृ भक्ति, दूंगा, स्वर्गलोक, परिश्रम, विद्वानों। मृत्यु, कठोपनिषद, रहस्य, पंडितों, कृपा। अभी हम लोगों ने हार्ड वर्ड पढ़े थे, अब हम लोग लेसन 8 नचिकेता की खोज के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। देखिए, शब्द लिखा है, अर्थ लिखा है। बयार का अर्थ होता है हवा, बयार में हवा। जर्जर, बहुत कमजोर। समर्थ, कार्य करने योग्य, सबल, स्वस्थ। प्रतीक्षा, इंतजार। सर्वोपरि, सबसे ऊपर। रहस्य, छिपी हुई बातें जिनका किसी को पता ना हो। सहस्त्रों, हजारों। सारे वर्ड मीनिंग आप कॉपी में लिखिएगा, PDF से निकाल के, और उसको लर्न करिएगा। अब देखिए, हम लोगों ने बेटा अभी तक वर्ड मीनिंग पढ़े, हार्ड वर्ड पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नचिकेता की खोज के प्रश्नोत्तर। पहले मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, उसके बाद PDF से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, पौराणिक काल की क्या विशेषता थी? आंसर, पौराणिक काल की यह विशेषता थी कि उस समय चारों ओर ज्ञान की बयार चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, यम की पत्नी ने यम से क्या कहा? आंसर, यम की पत्नी ने यम को नचिकेता के विषय में बताया कि यह ब्राह्मण पुत्र 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षारत रहते इसने भोजन भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, नचिकेता ने पिता से क्या प्रश्न पूछा और उसके पिता ने उसे झल्लाकर क्या कहा? आंसर, नचिकेता ने पिता से प्रश्न किया कि क्या आप अपना सब कुछ दान कर देंगे? पिताजी ने कहा, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, नचिकेता यमराज के यहाँ क्यों गए? आंसर, नचिकेता आज्ञाकारी पुत्र था, पिता की आज्ञा को सत्य मान वह चल दिया स्वयं को यमराज को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, नचिकेता यमराज के यहाँ से क्या प्राप्त करके लौटे? आंसर, नचिकेता यमराज के यहाँ से 3 वरदान और मृत्यु का रहस्य जानकर लौटे। समझ में आया स्टूडेंट? आपको क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड सब लर्न करने हैं और बुक रीडिंग करनी है, ये आपका होमवर्क है, और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।